ग्रेवी वगैरह सब पड़ेगा, अभी ग्रेवी नहीं पड़ा है। वॉट सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। कल है मेरा बर्थडे, तो मैं सोची कि मैं आज से आप लोग साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। तो आज 4 सितंबर है और 5 सितंबर को मेरा बर्थडे है। मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करा चुकी हूँ, आप लोग मेरे बाल देख सकते हो। बट क्या होता है ना कि जब आप लोग फ़ोन ही करोगे तो आपके बाल थोड़े थोड़े मुड़ जाते हैं, लेकिन हाँ शैम्पू करने के बाद फिर से वो वैसे के वैसे ही स्ट्रेट रहते हैं। तो हाँ, और हर टाइम बाल खोल करके रखना दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो इसलिए मैं सोची कि चलो आप लोग सब व्लॉग शेयर करते हैं। वैसे भी बहुत टाइम हो गया कोई भी वीडियो मैं नहीं लेकर के आ रही हूँ, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। और मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हूँ, आज 4 सितंबर है, तो वो जितने भी बर्तन वर्तन निकालने हैं अंदर से, जो बड़े बड़े बर्तन हैं, उन सबको मैं निकाल रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं फुल अपना बर्थडे व्लॉग आप लोग साथ शेयर करूँगी। क्लिप छोटा ही छोटा होगा, लेकिन फुल डे, आज का फुल डे, कल का फुल डे मैं सब आप लोग साथ शेयर करूँगी, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, लाइक लिटरली मैं क्या क्या बना रही हूँ, ये सभी मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड लॉट्स ऑफ लव। तो गाइस, ये मेरा बेड है, बेड के अंदर जो बॉक्स बेड होता है वो है, तो इसके अंदर सारा सारा सामान था। तो इधर मैं कुछ सामान निकाली हूँ, और लाइक जितने भी ट्रे वगैरह होते हैं इसमें बहुत सारे ट्रे हैं, तो ट्रे निकाली हूँ, ये फ्रूट्स के लिए निकाली हूँ, और लिटरली लाइक जिस चीज़ के काम थे वो सब निकाल चुकी हूँ। और भी बड़े बड़े जो हैंडी होते हैं उनको निकाल के मैं किचन में रख चुकी हूँ। किचन भी बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि हमने इनवाइट भी बहुत सारे लोगों को कर दिया है। लेट्स सी, सब हो ही जाएगा। मैंने इसमें बहुत सारा कबाड़ी है, वो जब मेरी मम्मी का शादी हुआ था तो ये ब्यूटी बॉक्स मेरी मम्मी को मिला था, उसमें मैं वही बहुत ज़्यादा था, लाइक लिटरली आप लोग देख सकते हो। तो हाँ, मैं फुल डे आप लोग से शेयर करती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ, और कनेक्ट रहना बस साथ में। एंड गाइज, मेरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं जैसे मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ है कि आप लोग ऑयलिंग कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑयलिंग वगैरह आप लोग नहीं कर सकते। तो मेरे बाल थोड़े से कम हैं यार, सर में मेरे बाल में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। तो मैं ना ये पिछले मेरे ख्याल से 1 मंथ से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये वेदिक्स का है, कस्टमाइज्ड है, हेयर ऑयल, सीरम, शैम्पू, ये 3 चीज़ मुझे मिला है। और जब मैं इसको ऑर्डर की थी तो कुछ हेयर से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड क्विज़ है, क्वेश्चन है, एज अ क्विज़ आपको बताना होता है। उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग ये ऑयल रेडी करके आपको सेंड करते हैं। तो वही मैं ऑयल लगा चुकी हूँ, और लिटरली मैं बताऊँ ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक जब मैं अपने बालों में अप्लाई करती हूँ ना, तो बहुत बहुत रिलैक्स भी फील होता है। रिलैक्स फीलिंग के साथ साथ क्या होता है ना कि उसके बाद जब मैं हेयर को अपने वॉश करती हूँ, बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है, और बालों में ना थोड़ी सी गर्माहट फील कराता है। अगर जैसे थोड़ा सा एकदम लगता है ना कि हाँ बाल में थोड़ा थोड़ा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर इस स्कैल्प में हल्का सा गर्माहट अगर प्रोड्यूस होता है, तो इस स्कैल्प में जितने भी ऑयल के बेनिफिट्स हैं ना, वो सारे के सारे चले जाते हैं। तो हाँ, ये ऑयल कर चुकी हूँ मैं, उसी में शैम्पू है, उसी में सीरम है, बहुत अच्छा है। आप लोग भी जो तो ट्राई कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और लिटरली यार मेरे बाल बहुत ज़्यादा कम है। और मैं एक बोल रही थी क्या, हाँ कोइंसिडेंस, देखो मैं जब भी ब्लॉग बनाती हूँ तब तो मैं सेम टी शर्ट में रहती हूँ, सेम टी शर्ट में रहती हूँ। आप लोग भी बोलोगे कि तुम्हारे पास लगता है सिर्फ एक ही टी शर्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और स्वेटिंग नहीं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरा फेस भी डल हो चुका है पहले से, क्योंकि पता नहीं क्यों यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए। सो अब मैं मिलती हूँ आप लोग से नहाने धुलने के बाद, वैसे भी आज फ्राइडे है तो जल्दी भी नहाने हैं, काम बहुत ज़्यादा है। तो हाय, तो मैं हेयर वॉश कर चुकी हूँ, जैसे मैं नहा के आ रही हूँ, और अब आप लोग मेरे बाल को देख सकते हो। तो लाइक लिटरली आज जब मैं हेयर स्ट्रेटिंग कराने गई थी, हेयर स्ट्रेटिंग से पहले मेरे माइंड में इतने क्वेश्चन थे, कराऊँ कैसे, कराऊँ क्या कराऊँ, क्योंकि मेरे बाल पहले से भी मुझे पता था कि मेरे बाल काफी पतले हैं, कराऊँ और पतले हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, बट मेरे हेयर को बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया, काफ़ी अच्छा लगा, और अब मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हाँ, और कल की प्रिपरेशन के लिए लिटरली यार मैं लग चुकी हूँ, अप्रॉक्स 40-45 आदमी को, 40-45 लोगों को इनवाइट कर चुकी हूँ मैं। और कोरोना का टाइम है तो और भी ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं कर सकती हूँ, कुछ लोग तो नहीं भी आ रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न। तो हाँ, लाइक मैं पहली बार घर में बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, वरना मेरा बर्थडे हमेशा घर के बाहर सेलिब्रेट होता था, बट मैं इस बार सोची कि नहीं, घर में ही बर्थडे मेरे को सेलिब्रेट करना है। तो और इस बर्थडे को मैं एकदम मेमोरेबल बर्थडे बनाना चाहती हूँ, और इसलिए मैं ये व्लॉग भी बना रही हूँ, ताकि व्लॉग तो लाइक लिटरली हमेशा के लिए रह जाता है ना, तो कभी भी मन अगर अजीब सा लगे तो इस डे को याद करने के लिए ना मैं इस व्लॉग को उठा के देख सकती हूँ कि वाओ, लाइक इस तरीके से आज से अगर 10 साल के बाद भी यूट्यूब रहता है, अगर 10 साल के बाद मुझे आज का दिन अगर याद करना होगा, तो मैं व्लॉग उठा करके देखूंगी, तो ये दिन फिर से मेरे माइंड में कैप्चर हो जाएगा। सो हाँ, इसीलिए गाइस व्लॉग बनाती हूँ, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो बताना जरूर से। कल बहुत अच्छा ग्रैंड पार्टी करने वाले हैं, आई होप आई विश कि कल का पार्टी अच्छे से हो जाए। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर का खाना बन रहा है, ये हुई नेचुरल लाइट। भाई मेरे बाल सूखे नहीं है, तो जब सूख जाएंगे तो फिर ऐसे ही लगेंगे यार, सूखने के बाद भी हल्का सूख चुके हैं। ड्रायर मैं सोची हूँ कि यूज़ करूँ, बट फिर नहीं, ड्रायर यूज़ करने से और भी ज़्यादा बाल रफ हो जाते हैं। और यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मेरे बाल अच्छे हैं, बट वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मेरे बाल काफ़ी रफ हैं। उन्होंने बताया कि आपका बाल बहुत ज़्यादा रफ, बहुत ज़्यादा डैमेज है, लाइक लिटरली यार मुझे लगता है मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। और जो क्या बोल रही थी मैं, उन्होंने हीना मेहंदी लगाने से बिल्कुल भी मना किया है, हमको लगता है हीना मेहंदी लगाना बाल के लिए अच्छा होता है, बट नहीं, उन्होंने डर के साथ साथ मना कर दिया कि हीना मेहंदी हमारे हेयर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है।
गाइस, सो मैं अभी आ रही हूँ बाहर से और मुझे जितने भी सामान लेने थे बाहर से वो सब ले चुकी हूँ। और ये दूसरा रूम है, तो ये मेरा रूम नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा डेकोर आप लोग हर तरह से नहीं मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल रूम है। तो हाँ, ये मैं कस्टर्ड ली हूँ, तो कस्टर्ड मैं बनाऊँगी तो आपसे जरूर से शेयर करूँगी। तो 2 kg मिल्क में मेरे ख्याल से पूरा पूरा चल जाएगा, ये 100% वेजिटेरियन है और मेरा केक आ गया गाइस, लाइक लिटरली मेरा केक आ गया। तो आप लोग दिखाती हूँ एक मिनट, गाइस मैं बस एक झलक आप लोग को केक का दिखाती हूँ, क्योंकि अभी इसको पूरा खोल पाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो ये आप लोग देख सकते हो, तो हाँ ये केक पर मेरा पिक्चर है, ये 100% ये भी वेजिटेरियन है। तो यप, और सो गाइस मेरा केक आ चुका है। मैं नहीं चाहती थी कि पिक्चर वाला केक मैं लूँ, क्योंकि मेरी पिक्चर रहेंगे उसको कट करके सारे लोग खाएंगे यार लाइक मेरा यही थॉट था कि मेरी पिक्चर को कट कर दिया जाएगा और सारे के सारे लोग मेरे पिक्चर को खा जाएंगे। बट मेरे फिर मेरे फ्रेंड्स को बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ठीक है ना, टाइम के साथ थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए, तो इसीलिए मैनेज कर रही हूँ मैं भी टाइम के साथ थोड़ा मोरा। लेट्स सी नेक्स्ट ईयर से बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी या नहीं करूँगी, बट हाँ इस ईयर को मैं काफ़ी अच्छे से इन्जॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, बट इसके बाद भी मैं जिंदा हूँ, मेरे पूरे फैमिली के लोग अच्छे। तो हाँ, ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए, ऊपर वाले का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि हम अभी तक सेफ है, हमारे पूरे पूरे फैमिली के मेम्बर सेफ है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। उसके साथ साथ हम लोग बहुत ज़्यादा लकी है गाइस कि हम अभी तक जिंदा है, आप लोग मेरे वीडियोज़ को इन्जॉय करो, मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, सो वी आर सो लकी, लिटरली वी आर सो लकी। तो इसीलिए मैं सोची चलो इस साल को सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए कौन सा भाषा है, कौन सा भाषा है, ती टा 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 किसी दे दो, किसी दे दो, किसी किसी, ये किसी वाले का लड़का नाक बह रहा है। हां हां नाक बह रहा है ती तुम्हारा, फिर चला गिरे को ले जाओ कोई डब्बा दिखा तो और उसको उठा के पीछे कर दो तो मुन्नी। सो गाइस ये कस्टर्ड के लिए मैं 2 kg दूध को पूरा बॉईल करा रही थी, एकदम दूध को अच्छे से खौला देना है और थोड़ा सा दूध हमें अलग में रख लेना है, खौला हुआ दूध। थोड़ा सा जो दूध हम लोग अलग में रखेंगे ना, उसमें कस्टर्ड का पूरा बॉक्स मिक्स कर देंगे अच्छे से, क्योंकि अगर हम लोग गर्म दूध में उसको डालेंगे ना देगची में कस्टर्ड पाउडर को, तो वो टाइट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसलिए पहले अलग से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, दूध में पूरा का पूरा लिक्विड हो जाएगा दूध, उसके बाद तब फिर जो पूरा का पूरा दूध था उसमें डाल देना है। उसके बाद इस तरीके से मिक्स करना है, कुछ देर तक मिक्स करते रहना है, अप्रॉक्स 10 मिनट तक या 15 मिनट तक इसी तरीके से मिक्स होगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा थिक होगा तो आप लोग उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हो, क्योंकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तभी जा कर के कस्टर्ड अच्छा लगता है, ठीक हो जाता है तो खाने में भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। एंड दैट्स इट, बस 10 मिनट तक इसको खौलाने के बाद फिर बंद कर देंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा था गाइस, बहुत ज़्यादा। सो गाइस नाइट टाइम हो चुका है, 11:30 बज रहा है, सब लोग सो चुके हैं और अभी ये फ्रंट बैग ना मैं खुद से कट की हूँ दोनों तरफ से, क्योंकि मेरे यहाँ ये वाले बाल भी ना बहुत ज़्यादा लंबे थे, तो पीछे जब भी मैं फ़ोन ही करती हूँ सारे के सारे बाल एक साथ हो जाते हैं। और तो मैं ये बोल रही हूँ 11:30 बज रहे हैं, मुझे बस अपने विशेज़ के इंतज़ार है, कौन कैसे विश करता है, कब विश करता है, और मेरी फिश लोगों ने भी खाना खा लिया है। तो मैं कैमरा फिट कर लेती हूँ, क्योंकि फ़ोन में तो विशेज आएंगे, मैं इतना ठक क्यों रही हूँ, मैं कैमरा फिक्स कर लेती हूँ क्योंकि विशेज तो फ़ोन में ही आने वाले हैं, तो इसीलिए। और मैं बिस्तर कर लेती हूँ, बिस्तर इन द सेंस कि नेट लगा लेती हूँ, बिना नेट के नहीं सोती हूँ मैं, तो इसीलिए नेट लगाना ज़रूरी है, तो नेट लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर अंदर में कैमरा फिक्स कर लेती हूँ एंड फिर करते हैं, देखते हैं किसके विशेज़ कब आते हैं। लिटरली पहले से ही मुझे विशेज़ आ रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे विशेज़ अभी तक आ चुके हैं, बहुत सारे मेंशंस हो चुके हैं, तो अच्छा लगता है यार, लिटरली अच्छा लगता है। सो या तो देखते हैं, नींद तो आ रहा है, मैं सो नहीं सकती, मुझे सोना ही नहीं है मैडम, मुझे सच में बहुत जोर से लेना है। और पता है जब भी कोई भी फंक्शन वगैरह रखना होता है ना, उससे पहले मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं फोन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ इसलिए फेस मेरा सही लग रहा है, इसलिए स्मूथ लग रहा है, बट अगर मैं कैमरा से बनाती तो मेरे फेस का पता चलता मैटर कि क्या हो रखा है, यहाँ पर दाने हो गए, छोटे छोटे फेस काफ़ी डल हो गया है, काफ़ी डार्क भी हो गया, पता नहीं क्यों अचानक से मेरे ख्याल से गर्मी बहुत ज़्यादा, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि सच में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हाँ सो गाइस,
फ्रेंड्स, देर बचने वाला है। अभी तक मैं सबको बस थैंक यू कर रही हूँ। अपने रूम में मैं नेट भी नहीं लगाई थी और ऐसे ही बस लेट गई थी, और उसके बाद से विशेज आने स्टार्ट हो गए। और मेरे ख्याल से मेरा आवाज़ आप लोग को नहीं जाता होगा क्योंकि सभी लोग सो चुके हैं। मेरे घर पे किसी को सरप्राइज देने नहीं आता है, लेकिन हाँ कल तो ग्रैंड पार्टी है। कल इन द सेंस कि आज मेरे बड़े वाले दिन ग्रैंड पार्टी है, तो हाँ। और रात में किसी को उठ कर सरप्राइज देने नहीं आता है, उल्टा मैं मार खा जाऊँगी अगर पता चलेगा सबको कि डे वही। रात तक मैं जग करके सबको थैंक यू बोल रही हूँ, मैं पिट जाऊँगी क्योंकि कल मुझे उठना है सवेरे। कल घर में काम भी बहुत रहेंगे, गेस्ट लोग पे आने से पहले सारा प्रिपरेशन कर लेना है, रेडी भी हो जाना है, तो इसलिए। और डेढ़ बज रहा है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, और अब बस मैं सोना चाहती हूँ। सोया तो मैं सोती हूँ, फिर कल मैं मॉर्निंग आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। तो अभी 11:10 हो रहा है और ऑल ओवर आधा काम हो चुका है, लाइक लिटरली साफ सफाई काम हो चुका है। अभी खाने में हाथ नहीं लगा है और अब मेरी मम्मी खाने में हाथ लगा रही हैं। देखते हैं कितनी देर तक कंप्लीट हो जाता है। आई होप अगर अभी से हाथ लगता है तो 1 बजे तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं सबको इनवाइट करी हूँ 2 बजे से, तो सब अगर 2 बजे से आते हैं तो सही है, टाइम पूरा परफेक्टली मैनेज हो जाएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। और मैं थोड़ा सा हेयर में हेयर मास्क लगाना चाहती हूँ, तो मैं हेयर मास्क यूज़ करूँगी। कौन सा दिखाती हूँ आप लोगों को, दिस वन ये है ओरिएंटल बोटैनिक्स का अनियन हेयर मास्क है यार, रेड अनियन हेयर मास्क है, बहुत ज़्यादा अच्छा हेयर मास्क है। इससे बाल ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, एक्सट्रीम सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा शाइनी भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मास्क लगा लूँगी तो बाल थोड़े से और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, और ज़्यादा बाउंसी हो जाएंगे, सिल्की सॉफ्ट भी हो जाएंगे। एंड मीट माय फिश, ये रही मेरी सारी फिश, तो अभी देखना सब आएगी ऊपर, ये सब की सब आ गई फिश ऊपर। अरे वाह, अरे वाह, कैसे चढ़ के आ रहे हैं, ये अपने से चढ़ के आ रहे हैं। अले अले आजा, अच्छा कैसा लग रहा है मेरे बर्थडे में कुर्सी में बैठ के? टाटा कर दो, टाटा। तब ऐसे कर दो, तब किसी दे दो। आहा, गिर जाओगे अतीत। देखिए इस बैलून से बहुत सख्त नफरत है। अरे वाह, अरे वाह, देखो गुस्सा, देखो नहीं, रुको, दे दो, फोड़ेगा एक ही फूटेगा ना, दो तो लो, निकालो अपना सारा गुस्सा निकाल लो। अच्छा इतना नफरत है इसको बलून से, बाप रे इतना नफरत है। गाइस इस तरीके से हो रहा है अभी काम, तो यहाँ पर चिकन ऐसे फ्राई करके अभी रख दिया गया, अभी इसमें ग्रेवी वगैरह सब परेगा, अभी ग्रेवी नहीं परा है। और इधर सारा अनियन कट करके रखा हुआ है, इसमें भी मेरे ख्याल से ऑयल डाला हुआ है, तो इसमें मेरे ख्याल से भी मसाला ये होगा। और इधर भी अभी कच्चा चिकन है जिसको पूरा फ्राई किया जा रहा है, तो इसी तरीके से फ्राई करके स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमारे पास बड़ा वाला चूल्हा नहीं था। अगर मुझे पता रहता कि इतना ज़्यादा हो रहा है तो मैं बड़ा वाला चूल्हा ले ली होती पहले भी, लेकिन बड़ा वाला चूल्हा नहीं था तो इसी पर सारा मैनेज करना पड़ रहा है। यप, तो मेरी मम्मी बना रही है, मम्मी के साथ नीचे वाली जो आंटी है वो मिल करके बना रही है, तो मम्मी और आंटी साथ में मिल करके अच्छे से बना लेंगे, तो मुझे किचन में घुसने का कोई ज़रूरत नहीं है। मास्क लगा चुकी हूँ, 30 मिनट तक इस मास्क
मास्क को इसी तरीके से छोड़ देंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। शैम्पू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंडीशनर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी से सिर्फ और सिर्फ वॉश कर लेंगे। उसके बाद बाल एकदम सिल्की सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसका पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। तो अब देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। जब तक 30 मिनट तक ये बाल में ऐसे ही रहेगा, जब तक हम लोग कुछ और काम कर लेते हैं। मैं ऊपर वाले रूम में आ चुकी हूँ और बहुत गर्मी है यार, बहुत एक्सेस गर्मी है। तो ये जो नेम वाला है तो इसको अभी हम लोग लगाएंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यार, इसमें का जो वाई होता है, हैप्पी बर्थडे वाला जो वाई होता है, वाई फट गया है क्योंकि मैं सुबह में ट्राई कर रही थी किस तरीके से ये फूलेगा, तो जब मैं फुलाई तो पंख से बहुत ज़्यादा हवा भर गया और डिम से ऊपर से फट गया। मतलब ये बहुत ज़्यादा पतला होता है यार, बहुत एक्सेस पतला होता है ये, तो इसीलिए इसको ना मुँह से ही स्ट्रॉ के थ्रू बस फुलाना होता है। तो अभी मैं इसको फुलाऊँगी और देखती हूँ क्या होता है।